गई दिलों की दूरियां, अब दूर किए जा रहे हैं गिले शिकवे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरा का महामिलन तो हो गया, अब बारी है गिले शिकवे दूर करने की। 2 साल बाद फाइनली स्वर्णा को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। तभी तो देखिए ना, हॉस्पिटल में ही हो रहा है लॉट्स ऑफ इमोशनल ड्रामा। 2 साल तक नायरा को जमकर रुलाने वाली स्वर्णा माँ आज खुद नायरा के सामने आंसू बहा रही हैं, फूट फूट कर रो रही हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही हैं। मुझे कोई माफ मत करना, तो मेरी गलती माफी के लायक नहीं है नायरा, कभी माफ मत करना मुझे। लगता है आज तो स्वर्णा अपने दिल के सारे जज्बात नायरा के सामने जाहिर कर देना चाहती है। अरे क्या हो गया था, मुझे पागल हो गई थी मैं, मेरे सारा दोष तुम पर डाल दिया, बच्चा मेरा था, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही थी ना, तुम तो उसकी मदद कर रही थी, मैंने इतना बड़ा इल्जाम तुम पर लगा दिया, शायद भाई जब माँ फूट फूट कर रो रही हो, टूट रही हो, बिखर रही हो, तो फिर उनके श्रवण कुमार यानी के कार्तिक कैसे पीछे रहते। कार्तिक अपनी माँ को संभालने की कोशिश करते हैं। तेरी किस्मत में जो लिखा था वो क्या, जो भी होना होता उसका बस बहाना होता, बहाना वो क्या, कहीं ना कहीं बस कोई कमी थी तो हमारे ट्रस्ट मैं और नायरा हमें मिलकर आपको संभालना चाहिए, नहीं। आज तो स्वर्णा माँ फुल ऑन माफी मांगने के मूड में है। नायरा से माफी मांगने के बाद स्वर्णा माँ नायरा की नानी और दादी से भी माफी मांगती हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट और नायरा हो जाती हैं बेहोश। वेल, अब नायरा की बेहोशी का क्या कारण है, क्या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है या कोई गुड न्यूज सुनाई जाने वाली है, ये तो फिलहाल नहीं पता। लेकिन आगे कार्तिक और नायरा की जिंदगी में जो भी होगा, यू मी और टीवी उसकी खबर आपको सबसे पहले देगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।